सतगुरु रूपी प्यारे सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। सतगुरु हमें समझाते हैं कि सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करें, कि हमने सबके गुणों को देखना है और अपने अवगुणों की तरफ देखना है। फिर हमें सतगुरु समझाते हैं कि खाने से पहले किसी का हक जरा ए मेहरबा, कितने भूखों की हैं उसमें रोटियां देखा करें, कि कभी भी हम किसी का हक ना दबाएं, किसी के साथ हम धोखा ना करें, हम हक हलाल की कमाई से अपना जीवन यापन करें। आदब ओचे घर सिकंदर सा, कहीं तुमको गरूर, हाथ खाली आती जाती अर्थियां देखा करें। यहाँ पर भी हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि सिकंदर की तरह अगर तुम्हारे मन में कोई गरूर आ जाए, कोई घमंड आ जाए, तो तुम ये आती जाती ये अर्थियां देख लिया करें कि किस तरह खाली हाथ इंसान आया है और खाली हाथ ही जा रहा है। तो यहाँ पर देखकर हमने ये सीख लेनी है कि हमने कभी भी घमंड नहीं करना है, हमने नम्र भाव में रहकर अपना जीवन गुजारना है। बाबू ओमी चाहते हो कर खुशी अपने लिए, दूसरों के गम में अपनी सिसकियां देखा करें। यहाँ पर भी हमें सच्चे पातशाह इस भक्ति भरी रचना के द्वारा समझा रहे हैं कि अगर दूसरों के लिए कि अगर अपने लिए खुशी चाहते हो तो दूसरों के दुख दर्द में शामिल होना सीखो, दूसरों के आंसू पोंछने वाले बनो, दूसरों की मदद करने वाले बनो, दूसरों से प्यार करने वाले बनो। ये सब बातें हमें सत्संग में आकर सतगुरु के चरणों से ही मिलती हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 2001 में बुराड़ी रोड दिल्ली में आयोजित वीकली सत्संग समारोह में समझाया कि ऐसे वचनों को सुनकर भगत जन जहाँ अनंत प्राप्त करते हैं वही प्रेरणा भी लेते हैं। भगत जन अपनी भक्ति को दिन प्रतिदिन मजबूत करने के लिए कोशिश करते रहते हैं कि हर बीते हुए दिन के साथ उनका विश्वास, निष्काम सेवा का भाव, विनम्रता, विशालता, इन सब पहलुओं को मजबूती मिलती चली जाए। महापुरुषों संतों का संग ऐसे प्रेरणादायक होता है जो वाकई विश्वासी होते हैं, और उनका संग करके हमारे भी विश्वास मजबूत हो जाते हैं। जो विश्वास से तन मन धन से सेवा करते हैं, मन में कोई कामना नहीं रखते, कोई यश की भूख नहीं रखते, ऐसे निष्काम सेवा करने वालों का संग करके हमें भी वही भाव प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो सहनशीलता विशालता वाले हैं उनसे हम ऐसी प्रेरणा लेते हैं, जो इस प्रकार अपने आप को मजबूती देते चले जाते हैं, इस प्रकार हमें मजबूती मिलती चली जाती है। सामने सारा संसार है, सामने सब कुछ है, जो संत की नज़र देख रही है वो हमारी नज़र भी देख रही है, लेकिन वो जिस नज़र से देख रहे हैं और देखने के बाद जो उनके मन के भाव हैं, मन की अवस्था है, उस मन की अवस्था के कारण उनका अपना आनंद कायम रहता है। वो कभी डुलायमान नहीं होते, ये अपनी प्रीत निभाने के लिए हमेशा सुदृढ़ रहते हैं, इनकी नज़र हमेशा गुणों की तरफ रहती है। इस प्रकार ऐसे संतों महापुरुषों का संग करके हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमने भी गुणों की तरफ देखना है, हमने अवगुणों की तरफ नहीं देखना। अवगुण देखने हैं तो अपने देखने हैं, और गुण देखने हैं तो हमने दूसरों के देखने हैं। हमने लगातार गुणों के ग्राहक बने रहना है। नुक्ताचीनी करनी तो बहुत आसान है, आलोचना करनी तो बहुत आसान है। फला इंसान
फलां कर रहा है। यह बात कह देनी बहुत आसान है, लेकिन जब खुद उस काम को निभाना हो तो हो सकता है जिसके बारे में टिप्पणी कर रहा हो उससे भी बदतर उसकी उपलब्धि हो। इस प्रकार के इंसान तबसरे तो कर लेते हैं, जैसे महापुरुष कहते हैं कि तबसरा औरों पे जब कीजिए, सामने आईना रख लीजिए। इस प्रकार से अपने आप को संवारने के लिए ही जो भगतजन प्रयत्नशील रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, जो लगातार अपने अवगुणों को, अपनी कमियों को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं और दूसरों से सीखते हैं, तो इस प्रकार से वे सुंदर सीख हासिल करके, उन गुणों को ग्रहण करके वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो गुणों को ही चुनते चले जाते हैं, जैसे मोती पड़े होते हैं मिट्टी में, उनको चुनते चले जाते हैं कि नाली में कीचड़ भी है और उसमें सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ भी हो, तो हम क्योंकि उस सोने की कीमत को जानते हैं, इसलिए हम उस सोने की कदर करते हुए उस कीचड़ में से सोने को उठा लेते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हाथ धो लेंगे, हाथ को भी धो लेंगे, सोने को भी धो लेंगे, हम जानते हैं सोने की कीमत को। इसी प्रकार से संत महापुरुष भी गुणों की तरफ देखते हैं, गुणों की तरफ नजर रखते हैं। ये नहीं कि गुण होते नहीं हैं, अवश्य गुण होते हैं हर किसी में। किसी में कोई गुण ज्यादा होता है तो किसी में कोई गुण ज्यादा होता है, तो महापुरुष उन गुणों की तरफ ही देखते चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देने वाले एग्जाम्पल देते हैं कि सोना जैसे कीमती होता है तो उसमें ऐसा गुण है कि उसकी कीमत अधिक है, लेकिन वो कीमत अधिक होने के बावजूद अगर हम सुगंधे की बात करें तो हम थोड़ी सी कीमत से इत्र ले लें तो सुगंध आ जाएगी। सोने के टुकड़े को नाक पर लगाने से सुगंध नहीं आएगी। सोने का अपना गुण है, इत्र का अपना गुण है। इसी प्रकार से हर प्रकार से हम देखते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई गुण भरा हुआ होता है, तो संत महापुरुष उन गुणों की तरफ ही नजर डालते हैं। कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जा मन खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। कहते हैं कि मन लोचे बुरियाइयां, यह मन तो बुराई की तरफ जाता है, बुरा करने और देखने के लिए हमेशा उतावला रहता है कि फला इंसान की कोई कमी मुझे नजर आ जाए, फिर मैं उस कमी को इशू बनाऊं और उसको उछालूं, उसको घर घर में जाकर बदनाम करूं। इस प्रकार एक ऐसी भावना लगातार प्रबल रहती है, मन लोचे बुरियाइयां, यानी कि मन जो है बुराई ही लोचता है। विपरीत महापुरुष संत जन अच्छाई देखते हैं। जरूरत है उन मोतियों को चुनने की, समुन्दर में मोती होते हैं, लहर उठती है किनारे के ऊपर, लहर मोती बिखेर देती है, लेकिन लहर ने तो काम कर दिया, मोतियों को समुन्दर में से उठाकर किनारे पे डाल दिया, लेकिन अगर फिर भी हमने उसका कंकर ही मोल डालना है, उसको पांव के नीचे ही रोंदना है, उन मोतियों को संभालना नहीं, उठाना नहीं, तो फिर हम माला माल नहीं हो पाते हैं। महापुरुष लगातार हमें यही प्रेरणा देते चले आ रहे हैं कि गुण और अवगुण दो थैले जो बताए गए हैं, एक को सामने की तरफ रखना है और एक को पीठ के पीछे की तरफ रखना है। सामने वाले थैले में दूसरे के गुण और अपने अवगुण डालने हैं और पीछे वाले थैले में अपने गुण और दूसरे के अवगुण डालने हैं। प्रायः देखती हैं आंखें अपने गुण और दूसरे के अवगुण, तो इस प्रकार से लगातार हम जितने भी संतों महापुरुषों का जिक्र करते हैं,
उन संतों महापुरुषों ने यही कहा है कि गुण ही इकट्ठे करने हैं हमने, हमने गुणों का ही ग्राहक बनना है, हमने भाव ऐसा ही रखना है कि हम चंगे नहीं बुरा नहीं कोई, कि हम अच्छे नहीं हैं और कोई बुरा नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं कि सारी सृष्टि समझदार है। कहने का तात्पर्य यही है कि संत महात्मा भगत जनों ने संसार को यही दिशा निर्देश दिया है कि इंसान तू अपना ऐसा दृष्टिकोण रख, ऐसी अपनी मन की अवस्था रख, ऐसी अपनी सोच रख कि तेरा मन मैला ना हो, तेरी अडोलता बनी रहे और लगातार तू एक सम अवस्था में रहकर आगे से आगे बढ़ता चला जाए, अपने आप को निमाना मानकर चलता चला जाए, अपने आप को दासु का दास मानकर चलता चला जा। नम्रता वाले कितने यश के पात्र होते हैं, युगों युगों से देखा गया है। जो विनम्र भाव वाले हैं वो दूसरों के दिलों में स्थान बना लेते हैं। कहते हैं कि जितना जितना इंसान विनम्रता को अपनाएगा, दास भावना से युक्त होगा, उतना उतना भक्ति के रास्ते में आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरह कहते हैं कि यह भगत यह ध्यान नहीं देता कि इससे मेरा यश होगा या कुछ और होगा, वो गुणवान बनता चला जाता है। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल, हीरा नहीं कहता कि मेरा लाख टका मोल है, गुण ही उसका लाख टका मोल पड़वा देता है। शाख टहनी की बात करते हैं तो जो फल से लदी हुई टहनी होती है वो हमेशा झुकी हुई होती है। इसी प्रकार से जो गुणवान होता है उसमें यह बड़ा गुण होता है कि वह विनम्रता को नहीं छोड़ता है। भगवान श्री राम जी ने जब धनुष तोड़ा, परशुराम जी गरज रहे हैं, जो मन में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं और सारा वातावरण भयभीत है, लेकिन उस हालात में भी उस समय को संभाला तो भगवान श्री राम जी की विनम्रता ने संभाला। कहने का भाव कि भगत जन संत महापुरुष तो आगे बढ़ जाते हैं यह जानते हुए भी कि कोई गलती नहीं है, फिर भी माफी मांगने लगते हैं कि मेरे से भूल हो गई होगी, कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इस प्रकार ढाल लेते हैं कि समय को और कड़वड़ाहट से भरपूर करने के बजाय, उस बात को और ज्यादा बढ़ाने के बजाय वो अपने आप को झुका देते हैं, नम्र भाव में आ जाते हैं। यह जो विनम्रता है यह कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, जो ज्यादातर इंसान अभिमान और अहंकार में चूर रहते हैं वो विनम्रता को कमजोरी समझते हैं, लेकिन विनम्रता वालों ने ही मैदान जीते हैं। विनम्रता वाले ही युगों युगों से महानता को प्राप्त हुए हैं। अभिमानी तो दौलत अपनी ताकत अपनी विद्वता अपनी पदवियों का मान करते चले गए, वो दौलतों और पदवियों तक ही सीमित रह गए, दिलों में स्थान न बना पाए। बहुत दिमाग अपने लड़ाए, बहुत दलीलें जीती, दलीलों का खेल तो खेला जा सकता है क्योंकि दिमाग की शक्ति है, किसी की अधिक है किसी की कम है। कोई 100 मीटर दौड़ का एथलीट है, बहुत तेजी से भागता है, उसके जिस्म में ताकत है, वो रफ्तार है रवानगी है, वो तेज भाग सकता है। कोई बहुत भारी भार उठा सकता है, उसके बाजुओं में ताकत है शक्ति है, उसके शरीर में ताकत है। इस प्रकार से किसी में दिमाग की ताकत होगी, बहुत कुछ लिख सकता होगा, बहुत कुछ कह सकता होगा, बहुत कुछ वो सोच सकता होगा, इसमें कोई शक नहीं। दिमाग भी होते हैं तेज, शरीर भी होते हैं रिष्ट पुष्ट, बहुत से गुण होते हैं। तो कहने का भाव यही है कि अगर इंसान कहे कि मैं तो किसी को भी नीचा दिखा सकता हूँ, तो बेशक वो दलील से तो जीत पाता होगा, लेकिन वो दिल नहीं जीत सकता है। दिल वही जीतते हैं जो विनम्रता भाव वाले होते हैं,
जो दास भावना वाले होते हैं वही दिलों में स्थान बना पाते हैं। तो साध संगत जी कहने का भाव यही है, महापुरुषों से प्रेरणा लेकर भगत विनम्रता को धारण करते चले जाते हैं। वे लगातार यही मानकर चलते हैं कि यह जाननहार सब कुछ जानता है, जाननहार प्रभु है जेड़ा जाने सारे कैपा नू, इस तो की वे लुका सकदा है बंदा अपने ऐबा नू। संगत जी कहते हैं कि लगातार संत महापुरुष अपनी भक्ति को सहजता के साथ निभाते चले जाते हैं। दातार ऐसी कृपा करे ताकि ऐसी अवस्था ऐसे ही भाव लगातार मजबूत होते चले जाएं और हम सभी सत्संग का पूर्ण लाभ उठा पाएं, तभी सेवा सिमरन का भी पूर्ण लाभ है। जब हम वचनों को मानते हैं तो तभी सेवा सिमरन और सत्संग हो पाता है। इसलिए हम इन बातों को अमल में ढालें, हम सिर्फ इनको बोलते सुनाते ही ना रह जाएं, इनको अपने अमल में कर्म रूप में डालकर अपना भी लोक सुखी करें और औरों को भी प्रेरणा देकर उनका भी लोक सुखी करने का यह सही रास्ता उनको भी बताएं कि हम सुखी हुए हैं, आप जी भी सुखी हो जाओ। ये मेरा सतगुरु दातार सारी दुनिया के लिए इस संसार में आया हुआ है, इसलिए आ जाओ दुनिया वालों, जीवन को सफल बना लो। मौका मिले ना बार बार, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है, आ जाओ और अपने जीवन को सफल बना लो। दुनिया वालों सुनो, जग वालों अरे भोले भालों, ये बात बड़े ध्यान से, मेरा सतगुरु तो मिलाए भगवान से। ये भगवान सतगुरु के बिना कहीं भी नहीं मिल सकता। जिन्होंने सतगुरु को खोज लिया है, जिन्होंने सतगुरु को ढूंढ लिया है, उन्होंने इस परम पिता परमात्मा को पा लिया है। संगत जी दासी को भी आशीर्वाद देना कि जो भी बोल बोले जा रहे हैं इन बोलों को अपने जीवन में कर्म रूप में ढाल पाए, दूसरों के गुणों को ही देखती रहे और अपने अवगुणों की तरफ ध्यान दे। कभी भी ऐसा समय ना आए कि हम किसी की कोई कमी देखें, कोई अवगुण देखें, नहीं। जैसे हमें सतगुरु शिक्षा दे रहे हैं कि हम दूसरों के गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करें, जब हम अपनी गलतियां देखेंगे दूसरों के गुण देखेंगे तभी हम भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। संगत जी कहते हैं गुरसिख हमेशा सीखने की भावना से ही सत्संग में आता है। दासी भी इसी तरह आप संतों महापुरुषों से सीख रही है और इसी तरह सीखती ही चली जाए। दासी को आशीर्वाद देना जो भी लेसन हम सत्संग में सीखते हैं उनको कर्म रूप में ढाल पाएं। और दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्शना। सबके भले की खातिर दास सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय, निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।